वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सर से रिलेटेड हमारा टाइप नंबर 3 चल रहा है। तो इस वीडियो में हमारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। देखिए, इधर हम बॉय लिखेंगे और इधर गर्ल्स लिखेंगे, तो अनुपात 5:3 है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी 5 और 7 के अनुपात में प्रवेश लेते हैं। कुछ का मतलब नए विद्यार्थी आ गए, 5 और 7 के अनुपात में प्रवेश लेते हैं। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाती है और लड़के व लड़कियों का नया अनुपात 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। अतः नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें लड़के लड़कियों का जो अनुपात चल रहा है वह इक्वल बनाना है। सबसे पहले कैसे बनेगा, यहाँ पर 5 और 3 का 8 होगा, 5 और 7 का 12 होता है टोटल, 7 और 5 12। देखिए, ये तो 12 12 हो जाते हैं लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 8 से 24 और 2 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 2 से यहाँ, तो ये हो जाएगी 24 24 के रूप में इक्वल। तो अब नया रूप बनाएंगे हम बॉयज एंड गर्ल्स का, बिल्कुल आसान और सरल। देखिए, 3 5 15 और 3 3 9 और 2 5 10 और 2 7 14 व 2 7 14 यहाँ पर और 2 5 10 ये आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें लड़कों पर एलिगेशन करना है, ये वाली संख्या पर लड़कों की जो अनुपातिक संख्या है उस पर एलिगेशन यूज करना है। तो सबसे पहले आरंभ में लड़के कितने थे, आरंभ में 15, नए आए हमारे 10, ये शुरू में और ये नए, आरंभ में 15 और नए आए 10 रेशो में और एवरेज के रूप में बने 14। ये तो देखिए, यहाँ पर हम एलिगेशन यूज करेंगे बड़े सिंपल तरीके से, बहुत आसान। तो 14 10 का अंतर कितना हो गया, 4 और 15 14 का अंतर हो गया 1, 4 1 के रेशो में। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाती है, तो 1200 बराबर हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा, योग बराबर योग, 4 और 1 5 के बराबर, 5 रेशो के बराबर हो गया। 1200 5 से काटेंगे, 5 2 10 240। देखिए, 5 से 1200 को काटेंगे 240 बार। तो उसने पूछा है, अतः नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए, ये आरंभ में प्रवेश लेने से पहले विद्यार्थियों की संख्या ये बताया जाएगा आरंभ की, तो इसमें गुणा कर देंगे, 24 चौका 96, 10 960 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, 960 थी संख्या। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने इससे पहला क्वेश्चन कराया है, सेम टाइप, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, इसमें तांबा और एल्यूमिनियम है,
तो तांबा और एल्यूमिनियम से बने दो मिश्र धातु है। पहले मिश्रण में तांबे की मात्रा एल्यूमिनियम से आधी है। देखिए यहां पर हम तांबा लिखेंगे और इधर एल्यूमिनियम लिखेंगे। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए पहले मिश्रण में तांबे की मात्रा एल्यूमिनियम से आधी, एल्यूमिनियम अगर दो है तो तांबा एक है, देखिए एल्यूमिनियम से आधी हो गई, क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और दूसरी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा एल्यूमिनियम से तीन गुनी है, दूसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम से तीन गुनी है तांबे की मात्रा, क्लियर। ये पहली धातु, ये दूसरी धातु, तीन गुनी। दूसरी मिश्र धातु की कितनी गुनी मात्रा पहली मिश्र धातु के साथ मिलानी चाहिए जिससे नई मिश्र धातु में तांबे की मात्रा एल्यूमिनियम से दुगुनी हो जाए, एल्यूमिनियम से दुगुनी हो जाए, क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुल मात्रा देखेंगे इनकी, कुल मात्रा कितनी, कुल मात्रा इक्वल करेंगे, देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा दो और एक तीन, तीन और एक चार, दो और एक तीन। अब इनकी मात्रा को इक्वल करना है, अब कैसे, ये होगा हमारा चार की गुणा तो इसमें करेंगे, तीन की गुणा यहाँ पर, चार की गुणा यहाँ पर, इक्वल इक्वल हो जाएगा बारह बारह बारह, क्लियर। तो चार एकम चार और चार दुनी आठ। अब इसको अलग लिख लीजिए, यहाँ पर तांबा एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा व एल्यूमिनियम, अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, चार एकम चार तांबा रेशों में और चार दुनी आठ एल्यूमिनियम। अब तीन तीय नौ और तीन एकम तीन, क्लियर, और चार दुनी आठ और चार एकम चार। अब देखिए तांबे पर हम एलिगेशन लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, तांबे पर, तांबे पर एलिगेशन करेंगे, चार नौ और आठ, ये होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर होगा एक, आठ और नौ का अंतर हो गया एक, और आठ व चार का अंतर हो गया, आठ व चार का अंतर हो गया चार, एक चार, देखिए एक चार के अनुपात में मिलाना होगा। तो देखो उसने ये पूछा था कि दूसरी मिश्र धातु की कितनी गुणी मात्रा पहली मिश्र धातु के साथ मिलानी चाहिए जिससे नई मिश्र धातु में तांबे की मात्रा एल्यूमिनियम से दुगुनी यानी कि दो एक के अनुपात में हो जाए। तो कितनी मात्रा मिलानी चाहिए तांबे और एल्यूमिनियम की, एक अनुपात चार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक अनुपात चार, एक अनुपात चार मिलाने से दो अनुपात एक का अनुपात बन जाता है। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए टाइप नंबर चार, बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो टाइप नंबर चार में बेईमान दूध वाले पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे। बेईमान दूध वाला अपने दूध में पानी मिला देता है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान होंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपके लिए, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर की दर से कुछ दूध खरीदता है और इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है। देखिए 5 लीटर पानी मिला देने पर तब इस मिश्रण को फिर 10 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है। देखिए 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा, 10 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है, बट 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर पानी मिला देने से उसे 20% का मुनाफा होता है। तो ये जो 20% का मुनाफा हुआ, ये 5 लीटर पानी के बराबर मुनाफा हुआ, यानी 5 लीटर का मुनाफा हुआ। तो 5 लीटर पानी जो मिलाया उसकी वजह से ये 20% का मुनाफा होता है, क्योंकि रेट टू रेट तो वह पहले की तरह ही बेच रहा है,
दस रुपये प्रति लीटर खरीदा, दस रुपये प्रति लीटर बेच रहा, बट मुनाफा किसकी वजह से हुआ, लाभ किसकी वजह से हुआ, जब उसने पाँच लीटर पानी मिलाया, तो पाँच लीटर पानी जो मिलाया वह 20% के बराबर है। क्लियर? अब देखिए बाद परसेंट की आ गई, तो यहाँ पर शुद्ध दूध लिखेंगे इधर, और इधर लिखेंगे हम पानी। बात परसेंट की है, शुद्ध दूध 100% होता है, और पानी कितना पानी 20%, उसमें पानी 20% है, तभी तो 120% हो जाएगा टोटल। क्लियर? तो दूध उसमें 100% है, पानी उसमें 20% है, सिंपल सा तरीका। तो उसके दूध की कितनी मात्रा उसने दूध की कितनी मात्रा खरीदी थी, ये हमें बताना। उसने दूध की कितनी मात्रा खरीदी थी आरंभ में, यानी कि आरंभ में उसने कितना दूध खरीदा था, ये बताना है। तो सीधा सा पॉइंट है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5:1 के रेशो में है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, एक रेशो की वैल्यू है 5 लीटर। देखिए ये पानी का रेशो है, तो पानी यहाँ पर 5 लीटर है, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 5 लीटर, यानी कि 5 गुना, तो इधर कितनी हो जाएगी, 5 गुना इधर हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो आरंभ में दूध की मात्रा जो थी वो 25 लीटर थी। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि ये 5 गुना है ना, एक रेशो का 5 गुना 5 लीटर, तो 5 का 5 गुना 25 लीटर, तो आरंभ में दूध की जो मात्रा थी वह 25 लीटर थी। क्लियर हुआ? बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन द्वारा देखिए, इधर हम शुद्ध दूध का विक्रय मूल्य लिखेंगे, शुद्ध दूध का विक्रय मूल्य, इधर पानी, और पानी की कीमत आपको पता है 0 होती है 0, पानी की जो कीमत होती है 0 होती है। अब देखो पहले हम शुद्ध दूध का इधर विक्रय मूल्य देखते हैं, जो बना है पानी मिलाने के बाद। देखो पहले उसने क्या किया, 10 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध लिया, प्लस 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में उसने पानी मिलाकर 20% का लाभ कमाया। 10 का 20% कितना हो गया, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 2, तो 10 + 2 बराबर हो गया 12। 12 रुपये विक्रय मूल्य हो गया उसका, पानी मिलाने के बाद जब उसने बेचना शुरू किया तो 12 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो वो यहाँ पर लिखेंगे, और इधर पानी की कीमत 0 लिखेंगे इधर, और जो आरंभ में उसने शुद्ध दूध खरीदा था वह 10 रुपये लीटर खरीदा था, तो ये यहाँ पर लिखेंगे, और एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर। दोनों का अंतर हो गया 10, इधर दोनों का अंतर हो गया 2, 2 एकम 2 पंजे 10, देखिए 5:1 का रेशो आ गया। अब वही तरीका, 5:1 के रेशो में 1 के बराबर हो गया 5 लीटर पानी, और इधर 5 के बराबर हो जाएगा 25 लीटर। तो आरंभ में 25 लीटर दूध उसने खरीदा था, ये आपका एलिगेशन है, और ये आपका विदाउट एलिगेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वह भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें मिलाए गए पानी की मात्रा दी गई थी 5 लीटर, और यहाँ पर पानी की मात्रा पूछी गई है, इसमें दूध की मात्रा दी गई है 40 लीटर। देखो वहाँ पर दूध की मात्रा पूछी थी, यहाँ पर दूध की मात्रा दी गई है। उस क्वेश्चन में पानी की मात्रा दी गई थी, यहाँ पर पानी की मात्रा पूछी गई है। सेम टाइप क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। चलिए देखते हैं, एक बेईमान दूध वाला 193 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है, और इस दूध में कुछ पानी मिला देता है, तब इस मिश्रण को वह 193 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। उसने दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई, ये हमें बताना है।
तो सीधी सी बात है, एक साइड में यहाँ पर हम दूध लिखेंगे और इधर पानी लिखेंगे। देखिए दूध की मात्रा कुछ भी हो 100% होती है, और पानी मिलाने के बाद जो उसको लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ, यानी कि पानी का ही तो लाभ मिला उसे 25% का, तो यहाँ पर 25% पानी होगा। तो इसको रेशो में लिख लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4:1 का रेशो, क्लियर। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, जो कि हम आपको बताते हैं कि हमारे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर लैंग्वेज से रिलेटेड आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये भी, तो हमारा यही कंसेप्ट लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता, यही मैथ है, यही आसान है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। देखो दूध की मात्रा 4 रेशो के बराबर 40 लीटर बताई गई है, ये रही 40 लीटर, यानी कि इसका जो 10 गुना है, कितना गुना, 10 गुना। ऐसे ही 1 रेशो की जो मात्रा आएगी पानी की, जब ये इसका 10 गुना है तो इसका 10 गुना हो गया 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी। तो पानी कितना मिला था, 10 लीटर। बहुत ही आसान, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सरल। तो आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10 लीटर पानी की मात्रा मिलाई गई। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर की दर से कुछ दूध खरीदता है और इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है, और तब वह इस मिश्रण को 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसने दूध की कितनी मात्रा खरीदी? तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से अब हम देखेंगे। देखिए वह 10 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और वह उसमें पानी मिलाकर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 30% का लाभ कमाता है। तो देखो दस रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा प्लस 10 पर 30% का लाभ कमाता है, तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 10 और 3 13 रुपये। देखिए 13 रुपये होगा उसका विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम दूध का विक्रय मूल्य लिखेंगे 13 रुपये प्रति लीटर, और पानी लिखेंगे यहाँ पर 0 उसका जो रेट है, और एवरेज जो मूल्य होगा वो पानी मिलाने के बाद मिश्रण को 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब एलिगेशन लगाएंगे और बड़ा आसान तरीका बनाएंगे, यहाँ से दोनों का अंतर हो गया 12, इधर दोनों का अंतर हो गया 1, 12 1 के रेशो में है, क्लियर। अब देखो इस दूध में 5 लीटर पानी मिलाया गया, तो यहाँ पानी का रेशो 1 है, 1 के बराबर 5 लीटर, इसका मतलब 5 गुना हो गया, तो यहाँ 12 का 5 गुना हो जाएगा 60 लीटर। तो आरंभ में दूध की जो मात्रा थी वो 60 लीटर थी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हुआ हमारा एलिगेशन। अब विदाउट एलिगेशन भी देख लीजिए आप, एक साइड में हम दूध लिखेंगे और दूसरी साइड में पानी। देखिए दूध हमारा 100% है, बट जैसे ही वह उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है तो उसका रेट भी बढ़ा देता है मिश्रण का 12 रुपये प्रति लीटर, यानी 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा, 2 रुपये प्रति लीटर तो यहीं पर ही लाभ कमा लिया उसने। देखो 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा, 12 के हिसाब से 2 रुपये रेट में बढ़ा लिया और पानी भी मिला लिया उसने 5 लीटर, तो ये बात सोचने की है। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना परसेंट का रेट बढ़ाने से लाभ हो रहा है, 10 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 रुपये प्रति लीटर रेट बढ़ा दिया, तो कितना लाभ हुआ, 2 एकम 2 2 5 10, 1/5 होता है 20% का लाभ, तो प्लस 20% और इसमें जुड़ेगा। और उसने क्योंकि कहा है 5 लीटर पानी मिलाने के बाद कुल उसे बेचकर 30% का लाभ होता है, तो इसका मतलब हो गया
टोटल 30% बढ़ाना, 20 का लाभ तो यहाँ रेट के वजह से आ गया और टोटल कह रहा है 30 का लाभ, तो 10% उसमें पानी मिलाया उसने, क्योंकि हो जाएगा टोटल 130, यानी ये 30 हो जाएगा, 20 ये और 10 ये, 30% का लाभ और टोटल देखेंगे 130 हो जाता है, तो बस क्लियर हो गया। तो यहाँ 100% और 20%, 120% और यहाँ पर 10%, क्लियर। तो इसको कटिंग कर लीजिए, छोटे रूम में लिख लीजिए, 10 ही कम 10 और 10 से काटेंगे 12 बार। तो यहाँ पर 1:1 की वैल्यू जो पानी की है वो 5 लीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 5 गुना इधर इसका 5 गुना होगा 60 लीटर को रिप्रेजेंट करना। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी आ जाता है और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऐसे भी आ गया है। तो दोनों तरीके सीख लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि ये ज़्यादा माइंडेड मेथड है, क्योंकि इसमें 20% अलग से कैसे दिखाया गया है ये माइंड की बात है, इसको भी आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर की दर से 121 लीटर दूध खरीदता है और इस दूध में कुछ पानी मिला देता है, देखिए कुछ पानी मिला देता है और इस मिश्रण को 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। दूध में पानी कितनी मात्रा मिलाई? तो देखो, हमें मालूम है जब बात परसेंट की आ रही है तो दूध हो गया हमारा 100%। अब देखिए, उसने 10 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा और बेच रहा है 11 रुपये प्रति लीटर की दर से। देखिए, प्रति लीटर पर 1 रुपये का तो लाभ यहीं पर ही कमा रहा है, रेट पर ही कमा रहा है, और बाकी उसने बाद में पानी भी मिलाया है तो उसका भी उसको लाभ मिलेगा। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं रेट पर कितना लाभ कमा रहा है, 10 रुपये की दर से खरीद रहा है, बेच रहा है 11 रुपये की दर से, तो 10 पर 1 का लाभ। अब 10 पर 1 का लाभ 1/10, यानी कि 10% का लाभ, तो यहाँ पर दूध पर 10% का लाभ तो यही हो गया। ये टोटल उसने पानी मिलाने के बाद 20% का लाभ कमाया, तो पानी कितना रह गया, इसका मतलब 120% होता है टोटल, 110 तो ये हो गया, तो 10% पानी मिलाया उसने, क्लियर। अब सारा जोड़ लीजिए, 100% और 10%, 110%, और इधर रेशो पानी का हो गया 10%, 10 ही कम 10, से काटा 11 बार। अब देखिए, दूध कितना लीटर खरीदा, 121, 11:1 के बराबर है 121, देखिए 11 गुना हो गया, यो इसका 11 गुना, तो इधर 1 का 11 गुना हो गया 11 लीटर, तो 11 लीटर उसने क्या खरीदा था, सॉरी 11 लीटर उसने क्या मिलाया, 11 लीटर पानी, क्योंकि 1:1 पानी का है तो 1:1 की वैल्यू हो गई 11 लीटर। जैसे यहाँ 11 गुना तो 1 का 11 गुना, या 11 से इसे काटेंगे 121 को 11 बार, 11 की गुणा 1 में करेंगे वही आ जाएगा 11 लीटर। तो मिलाई गई पानी की जो मात्रा थी वह थी 11 लीटर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 11 लीटर। तो दूध में पानी की जो मात्रा थी वह थी 11 लीटर। बड़ा आसान और सरल तरीका आपके सामने है।